मधुबनी श्रम विभाग के अधिकारियों ने जयनगर में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया। टीम की छापेमारी से बाल श्रमिकों से मजदूरी कराने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रेम कुमार के नेतृत्व में जयनगर थाना क्षेत्र के भेलवा चौक के समीप ऑटो पार्ट्स की दुकान में छापेमारी कर एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया। श्रम विभाग की कार्रवाई से इलाके के कई दुकानदार दुकान में ताला जड़कर फरार हो गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर धावा दल का गठन किया गया है। टीम के द्वारा पुलिस के सहयोग से बाल मजदूरों को मुक्त कराने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया है। ऑटो सेंटर से एक बाल मजदूर को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। समिति के अध्यक्ष बिंदु भूषण ठाकुर ने बताया कि बालक को बाल गृह में रखने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुकान, होटल, गैरेज सहित अन्य प्रतिष्ठानों में काम कराना गैर कानूनी है और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेल सहित जुर्माना का भी प्रावधान किया जाएगा। बच्चे लोग काम नहीं करे दुकान में 14 साल से कम वाले, और उसे अगर कोई काम करवा रहे थे नियोजक, तो उनके विरुद्ध कानून कार्रवाई करे उनका प्रावधान है। तो उसी के संदर्भ में हम उनका टीम जो आया था मधुबनी से, तो जयनगर में धावा दल का संचालन किया गया था। इसमें से आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।